तो दोस्तों, क्या आपको नया फोन बोल के पुराना फोन चिपकाया जा रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फोन आप Amazon, Flipkart, Paytm पे एक्सचेंज करते हैं, उन फोनों का आखिरकार होता क्या है? तो आखिरकार वो फोन जाते कहाँ हैं? उन फोनों को एलियन के पास भेजा जाता है या उन फोनों को चिपकाया जा रहा है आपको? आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो का आखिर तक मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कसम गंगा मैया की चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं तो माता रानी सभी को पाप लगाएगी। और अगर तुमने बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन को पहले दबा दीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अपने फोन को एक्सचेंज करके लिया है तो उसकी कितनी वैल्यू आई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करें मेरी, तो मैं सैमसंग का एक पुराना फ़ोन यहाँ पर सेल कर रहा था। उसकी मुझे महज यहाँ पर 500 रुपये मिल रहे थे। मतलब तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन 500 से 1000 नहीं हुए मिलॉर्ड। सो गाइस, यहाँ पर हम एक्सचेंज में फ़ोन तो ले लेते हैं, बट यहाँ पर जो आपने फ़ोन एक्सचेंज किया, मतलब अपना जो भी पुराना फ़ोन दिया, उसका आखिरकार होता क्या है? क्या यहाँ पर उन फोनों को रीयूज किया जाता है, क्या उन फोनों को रीसेल किया जाता है? अब जो है इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए, आपको सारी जो है यहाँ पर जो हमने जांच पड़ताल करके निकाली है, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपका फोन जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है बट न्यू नहीं है। तो यहाँ पर उस फोन को क्या किया जाता है, उस फोन को जो है हल्के मुल्के चेंजेस करके जो है उसे दोबारा से आपके सामने पेश किया जाता है एज अ रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट या यूज प्रोडक्ट। आपने देखा होगा Amazon पे और Flipkart पे, दोनों पे आपको यहाँ पर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिनका जो प्राइस है ओरिजिनल से थोड़ा कम रहता है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फोन में डिफेक्ट आ जाते हैं कभी कभी, तो उसे वापस कर देते हैं। तो उस फोन को रिफर्बिश्ड करके जो भी प्रॉब्लम आई है उसको एज अ रिफर्बिश्ड या यूज प्रोडक्ट के थ्रू वो सेल करते हैं। एंड यहाँ पर दूसरा सिनारियो ये है कि अगर आपका फोन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है तो क्या किया जाता है, उसे वापस मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जिस भी कंपनी का आपका फोन है वही यहां पर मैन्युफैक्चरर है, तो वो उसे यूज करते हैं एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अदरवाइज जो है उस फोन के कुछ पार्ट्स को वो यूज करते हैं दूसरे फोन को रिपेयर करने के लिए। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो चलो अपने हिसाब से फोन भेज दिया, हमारा पुराना फोन पड़ा था घर पे, हमने निपटा दिया, बिल्कुल कटका दिया। तो यहाँ पर जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप सोचते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बहुत जनों को होता है। उन बहुत जनों में पहले तो हम ही आएंगे, जैसे हम हो गए यूज़र्स। तो यूज़र्स को क्या प्रॉफिट होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आगे और भी बताऊँगा कि किन किन को प्रॉफिट होता है। सो हम यूज़र को यहाँ पर फ़ायदा होता है कि हमारा कोई फ़ोन ऐसे स्पेयर पड़ा है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम जो है एक्सचेंज में करके थोड़ा बहुत डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं, दूसरा फ़ोन खरीद सकते हैं उसके बदले। जैसे यहाँ पर आपने कोई भी ढिंका फलाना एक फ़ोन खरीदा, उसके बदले में आपने एक्सचेंज किया अपना पुराना फोन, तो आपको यहां से 2 से 3 से 4 से 5 से 10 हज़ार तक का भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो आपको एक अच्छी खासी डील मिल जाएगी, एक फोन जिसको आप रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब कि आप सोच रहे थे कि मेरे बजट के बाहर है, बट एक्सचेंज में जो है आप सोच के जो उस फोन को लेने की सोचते हैं एंड इवन ले भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी यहां पर डिस्काउंट मिले तो हम इंडियंस ऐसे हैं कि बिल्कुल डिस्काउंट के पीछे जाते हैं। अगर जो चीज जहां तक डिस्काउंट मिल सकता है हम डेफिनेटली उस चीज का फायदा उठाते हैं, एंड डेफिनेटली आई एम प्राउड कि हम ये सब करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र जिस एक फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा था, उसके बदले में उसे कुछ डिस्काउंट मिल गया हमें किसी भी साइट से, चाहे Amazon हो, Flipkart हो या Paytm हो, तो वो जो हमारे लिए बेटर डील हो जाती है। क्योंकि एक फालतू फ़ोन पड़ा हुआ है घर में, उसको एक्सचेंज में हमें कुछ एक नया फ़ोन मिल रहा है कुछ डिस्काउंट लगा के, तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे लिए वर्थ रहती है चाहे कितना भी डिस्काउंट मिले। नाउ यहाँ पर दूसरा जिसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलता है वो होते हैं मैन्युफैक्चरर। नाउ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होंगे, जैसे कि जिस भी कंपनी का आपने फ़ोन लिया है वो यहाँ पर उस फ़ोन के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। नाउ यहाँ पर आप जानते हैं कि कंपनी के फ़ोन जो है रेगुलरली यहाँ पर रिलीज़ होते रहते हैं, नए नए फ़ोन मार्केट में आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो नए फ़ोन आते हैं उनका जो है उनके बदले में यहाँ पर आपको एक्सचेंज के कुछ बेहतरीन ऑफर्स दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसी डील्स दिखाए जाते हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। आप पहले सोच रहे होते हैं कि ये मेरे आउट ऑफ बजट जा रहा है, बट वो जब आपको डील दिखाते हैं कि आपको एक्सचेंज में इतना ऑफ मिलेगा एंड इवन एक्स्ट्रा ऑफ भी दे देते हैं, मतलब कि 3000 मिल रहा है ऑफ, एक्स्ट्रा 1000 ऑफ देंगे तो 4000 का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर न्यू फोन्स पे ऐसी डील आपको देखने को मिलती है, या पुराने फ़ोन जिनकी जो है सेल बहुत कम हो गई है उन पे ऐसी ऐसी डील डाल देते हैं, जिससे जो है आप बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं उस ऑफर्स की तरफ। एंड हम जो इंडियंस हैं काफ़ी ज़्यादा डील्स पे विश्वास रखते हैं, कोई अच्छी खासी हमें डील मिल रही है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, तो हम उस फ़ोन को ले लेते हैं एक्सचेंज में। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर को एट द एंड क्या फ़ायदा हो रहा है, उनकी सेल बढ़ रही है।
चाहे उनकी कंपनी का एक फ़ोन बिक रहा है, दो फ़ोन बिक रहा है किसी पुराने फ़ोन के बदले, तो लेकिन उनकी सेल बढ़ रही है, ऐसे उनकी सेल जो है और ज़्यादा बढ़ती है। तो एट द एंड जो है पूरा खेल है सेल का, तो यहाँ पर सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट डेफिनेटली उनको भी होगा। एंड यहाँ पर कोई भी जो है बिना प्रॉफिट के काम डेफिनेटली नहीं करेगा आज के टाइम पे। इवन यहाँ पर जो प्रीमियम फ़ोन रहते हैं, जिन्हें हम फ्लैगशिप फ़ोन रहते हैं, या बहुत सारे जो हाई एंड फ़ोन रहते हैं, उन पे ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स डाल देते हैं एक्सचेंज के, उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑफ भी लगा देते हैं, एंड इवन उस पर डिस्काउंट लगाते हैं बैंक का। तो उसके बाद जो आपको अच्छा खासा यहाँ पर 10,000 तक या 11-12,000 तक का भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है फ़ोन में एक्सचेंज से अगर आप लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे होते हैं 20,000 से 30,000 का, वो डायरेक्टली यहाँ पर 40,000 से 50,000 वाला फ़ोन भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं एक्सचेंज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम फोन कोई भी सेलिंग वो करवा रहे हैं, तो एट द एंड जो पूरा खेल है वो सेल का है। इनकी सेल चाहे ऐसे हो रही है चाहे वैसे हो रही है, मेन चीज है सेल होना चाहिए। अगर सेल होगी तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। नाउ यहाँ पर दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर आपके जो न्यू फोन है उनका प्रमोशन ये लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है पुराने फोन को बेच के नया फोन ही डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पुराने फोन को बेच के पुराना ही फोन ले रहा है। तो यहाँ पर नए फोन की भी उनकी प्रमोशन हो जाती है, इस चक्कर में नए फोन की भी जो है सेल बढ़ी रही है। एट द एंड पूरा खेल मैंने आपको बोला है सेल का है, चाहे वो यहां से आए वहां से आए कैसे भी आए, तो आपका जो है नए फोन का भी प्रमोशन हो जाता है एक्सचेंज ऑफर के चक्कर में। एंड यहां पर जब कंपनी एक फोन बनाती है तो बहुत सारे फोन बनाती है, ऐसा नहीं कि एक फोन दो फोन बनाए, यहां पर मिलियंस में जो है फोन बनते हैं। तो यहां पर वो जो पुराने फोन बच जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फोन नहीं चला, तो उसके पुराने जो पीसेज रहते हैं, मतलब पुराने जो मॉडल्स रहते हैं, उनको काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में बेचते हैं, एंड इवन उन पे एक्सचेंज ऑफर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगाते हैं। इससे इनडायरेक्टली क्या होता है, उनके जो नए फोन हैं उनकी सेल बढ़ती है एंड उनका प्रमोशन होता है, एंड इवन यहां पर जो उनके पुराने स्टॉक हैं वो भी यहां पर निकल जाते हैं। सो एट द एंड थोड़ा बहुत अगर लॉस भी होता होगा कंपनी को, लेकिन एट द एंड सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। नाउ यहां पर तीसरी श्रेणी में आते हैं वेंडर्स, जिनको बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉफिट होता है इन एक्सचेंज पॉलिसी से। तो वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम। अब आप सोचोगे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेज़न को क्या फ़ायदा होगा, ये तो यहाँ पर जाके फ़ोन को वापस मैन्युफैक्चरर या जिसकी कंपनी का उसे बेच देते हैं। बट यहाँ पर जान के आपको ताज्जुब होगा कुछ पॉइंट्स, जिनको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम, इनके पास एक राइट रहता है कि ये अपने जो भी फ़ोन यहाँ पर एक्सचेंज पर लिया है इसे अपने हिसाब से बेच सकते हैं अपने प्राइस पे। तो यहाँ पर अगर ये नहीं मैन्युफैक्चरर को भेज रहे हैं तो इसे अपने हिसाब से किसी भी थर्ड पार्टी सेलर को बेच सकते हैं, किसी दुकान वाले को या किसी से भी इनका कॉन्टैक्ट हो तो ये उन्हें बिल्कुल निपटा सकते हैं अपने हिसाब से प्राइस में। अगर इनको अच्छी खासी डील मिल जाएगी यहां से तो डेफिनेटली ये उसे निपटा देंगे। एक्सचेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेलिंग नहीं है, मतलब कि सेल कर दिया वो नहीं, यहां पर वो एक्सचेंज भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी यहां पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो उनका जो प्रॉफिट हमसे ज्यादा है तभी वो यहाँ पर पुराने फ़ोन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना होगा कि यहाँ पर उनको हमारे जो भी हमने प्राइस दिया अपने ओल्ड फ़ोन का, उससे ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो रहा है तभी वो हमारा फ़ोन ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर किसी भी कंपनी को अपना घाटा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर उनको यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है उस फ़ोन से तो डेफिनेटली तभी लेंगे। तो वेंडर्स जो हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम, आप सोच रहे होंगे कि इनको क्या फ़ायदा होगा, आपने पुराना फ़ोन चिपका दिया, इनको फ़ायदा हो रहा है तभी तो ये फ़ोन ले रहे हैं, ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। इवन यहाँ पर वेंडर्स को एक और फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपका फ़ोन जो है पिकअप करने के लिए जैसे कोई भी आता है वो आपके फ़ोन की कंडीशन चेक करता है, वो वहाँ पर फ़ोन को लेके चल जाता है अगर अच्छी कंडीशन में हो। तो यहाँ पर वेंडर को जो भी खर्चा आता है, लाइक वो फ़ोन लेने आया, फ़ोन लेके गया, फ्यूल का या जो भी जैसा खर्चा हुआ, यहाँ पर वो सारा खर्चा जो है मैन्युफैक्चरर्स, जो यहाँ पर कंपनी वाले हैं, जो भी फ़ोन की कंपनी है, वो यहाँ पर वेंडर को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पूरा खर्चा जो है मैन्युफैक्चरर निकालता है, वेंडर जो है यहाँ पर बीच का काम कर रहा है कि आपके सामने जो है आपका पुराना फ़ोन लेने आ रहा है, आपको नया फ़ोन दे रहा है, इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसके बीच में वो सारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरर दे रहा है कंपनी को। तो यहाँ पर वेंडर को तो बिल्कुल विन एंड विन सिचुएशन है, कोई भी टाइप का घाटा नहीं है, इवन यहाँ पर फ़ायदा ही है। अब अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, एंड सभी का फ़ायदा हो रहा है तभी ये जो चेन है चल रही है, अदरवाइज यहाँ पर किसी एक का भी घाटा हो रहा होता तो डेफिनेटली ये स्कीम को बंद कर देते। तो ऐसी है जो मार्केटिंग चलती है, सेल बाय सेल, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा लॉस होगा तो ये स्कीम भी डेफिनेटली बंद हो जाएगी। बट सो गाइस, आई होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, आपके पुराने फ़ोन का यहाँ पर क्या होता है। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज के अपने विचार आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 पल की ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, आज रात के बाद कल नई सुबह आएगी। अगर हौसलों की डोर फिर से डगमगाएगी, अगर हौसलों की डोर फिर से डगमगाएगी, तो सूरज की किरणें ज़रूर नया सवेरा लाएगी।